इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। अनंत अनंत सिद्धों की आराधना करते हुए आचार्य पूज्यपाद महाराज विरचित सिद्ध भक्ति के माध्यम से आज हम काव्य नंबर 7 से 8 की ओर आ रहे हैं। भगवान के सुख की विवेचना सुनने के बाद भगवान के विषय में और भी अधिक जानकारियां लेना यह हमारे लिए सुखद होता है, क्योंकि परम आत्म तत्व की जितनी जानकारियां सूक्ष्मता से हमारे लिए उपलब्ध होंगी, हम इस संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठने की उतनी अच्छी कोशिश कर पाएंगे। व्यक्ति के लिए जब जीवन मिलता है तो उस जीवन में बहुत कुछ कार्य तो उसे वही करने होते हैं जो सांसारिक रूप में चले आ रहे होते हैं और सभी लोग किया करते हैं, लेकिन अगर उसे अपने इस मनुष्य जीवन में उन सांसारिक कार्यों को करते हुए भी कहीं कोई ऐसी अवधारणा मिल जाती है, कोई ऐसा ज्ञान मिल जाता है जिसके माध्यम से वह व्यक्ति अपने जीवन में अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, परम आत्म तत्व को समझने की कोशिश कर सके, तो वह सबसे बड़े सौभाग्य के क्षण होते हैं। उन्हीं क्षणों में यह समय आपके लिए प्रस्तुत होता है जब हम जो संसार में चल रहा है उसके अलावा भी कोई दूसरा संसार है उसकी भी कुछ बातें सुन सकें। जैसे संसारी जीवों का संसार है, ऐसे ही मुक्त जीवों का भी एक संसार है। और संसार का मतलब होता है जहां पर लोग बहुतायत में रहते हों। एक दो लोगों से संसार नहीं चलता, संसार अनेक अनेक जीवों के माध्यम से चलता है। लेकिन उन मुक्त जीवों का जो संसार है उसमें सबका अपना अपना संसार है और वह संख्या में अधिक होने के कारण से हम उन्हें संसार कहते हैं, लेकिन उनका अपना एक जीवन है, अपना एक जीने का तरीका है। आचार्य कहते हैं, नार्थ क्षुत्रड विनाशात विविध रसयुतैर अन्नपान ही। उन जो सिद्ध भगवानों की अगर हम गवेषणा करें, उन सिद्ध भगवानों को देखें, उन परम तत्व में लीन ब्रह्म आत्माओं को देखें, तो उन आत्माओं के अंदर ना तो किसी भी प्रकार की उन्हें क्षुधा है और ना ही उनके लिए कोई तरह की तृषा है। और जब क्षुधा तृषा नहीं है तो फिर कहा जाता है विविध रसयुतैः अन्नपानैः न अर्थ, अर्थात अनेक प्रकार के रसों से युक्त अन्नपान से अब उन्हें कोई प्रयोजन नहीं रहा। खाने पीने वाले लोग यही पूछा करते हैं कि अगर हम मुक्त बन भी गए और संसारी से अगर हम सिद्ध हो भी गए तो वहां पर हमें क्या क्या मिलेगा। और जिन्हें खाने पीने में इंटरेस्ट आता है तो उन्हें चिंता वही रहती है कि हम अगर कहीं भी पहुंच जाएंगे तो हमें कौन कौन से रस मिलेंगे, कौन कौन से व्यंजन मिलेंगे। भगवान बनने के बाद भी खाने पीने की चिंता अगर लगी रहती है तो ना तो वो भगवान हो पाते हैं और ना ही हम भगवान के बारे में समझ पाते हैं। जब कोई सामान्य व्यक्ति भी भगवान बनने की कोशिश करता है और भगवान बनने के बाद भी अगर ये कल्पना करता है कि उन्हें भी खाने पीने को मिलता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक भ्रम की स्थिति होती है। तो आचार्य कहते हैं, उन परम तत्व में स्थित जो परमात्मा है, जो सिद्ध भगवान है, उनके लिए किन्हीं भी प्रकार के रसों से, व्यंजनों से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। उनको प्रयोजन नहीं रह जाता है, यह विश्वास हमारे दिमाग में आ जाए कि जो शुद्ध आत्माएं हैं उन्हें किसी भी तरह के भोजन पानी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती।
और भोजन पानी नहीं मिलता है फिर भी वह प्रसन्न रहते हैं और उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती, क्योंकि भोजन पानी करने के लिए भी भीतर से क्षुधा और तृषा की वेदना होना आवश्यक है। अगर इसे हम धर्मशास्त्र के अनुसार समझें तो ये वेदना कही जाती है, और अगर हम इसे आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार समझें तो क्षुधा और तृषा का होना शरीर चलाने के लिए आवश्यक होता है। धर्मशास्त्र के अनुसार ये क्षुधा को वेदना कहा गया, क्योंकि धर्म थोड़ा सा इसी जन्म के बारे में हमें नहीं ध्यान में रखने की बात करता। धर्म हमेशा हमें वो बातें भी सिखाता है जो जन्म जन्मांतरों से चली आई हैं, और वह भी हमें बातें सीखने को मिलती हैं धर्म के माध्यम से कि हम अगर जन्म जन्मांतरों से इसी तरह से जीते आए हैं तो हम अपने जीने के ढंग को क्या बदल सकते हैं, क्या हम कोई नया जीवन भी जी सकते हैं। ये बातें हमें लौकिक शास्त्रों से नहीं मिलती, ये बातें हमें धर्म शास्त्रों से मिलती हैं। तो धर्म शास्त्र में ये बताता है कि जब भी हमारे लिए शरीर मिलता है हमें क्षुधा और तृषा जरूर उत्पन्न होती है, भूख और प्यास जरूर उत्पन्न होती है, और धर्म के माध्यम से ये पता पड़ता है कि ये भी एक वेदना है, ये भी एक दुख है, और इस दुख को दूर करने का हम उपाय करते हैं। कभी कभी तो लोगों को यही पता नहीं रहता है कि ये उपाय कौन करता है और ये किसके लिए किया जाता है। अगर हम आपसे पूछें तो आप लोगों में कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि हम एक शरीर के रूप में हैं और इस शरीर के साथ साथ हमारे भीतर भी कोई शरीर को चालित करने वाला, संचालित करने वाला भी कोई एक अलग तत्व विराजमान है, ये कितने लोग मानते हैं? शरीर को संचालित करने वाला भी कोई एक तत्व है जिसको हम भीतरी प्राण कहते हैं, जिसे हम चेतना कहते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसके होने पर ही ये शरीर संचालित है और जिसके नहीं होने पर ये शरीर संचालित नहीं हो पाता। जैसे किसी भी तरह की बस है, ट्रेन है, उसको चलाने वाला एक ड्राइवर भी होता है। ड्राइवर बस नहीं होता, बस ड्राइवर नहीं होती, ड्राइवर ड्राइवर होता है, बस बस होती है। उसी तरीके से इस शरीर को चलाने के लिए ये शरीर भी एक मोटर गाड़ी है, ये भी एक बस है, ये भी एक यंत्र है, और इसको चलाने वाला जो होता है वो अलग होता है, ज्ञानवान होता है, वो चैतन्य होता है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर के अंदर चैतन्यता होना आवश्यक है, वह ज्ञानवान होना आवश्यक है, वो सजग होना आवश्यक है। गाड़ी लोहे की हो सकती है, किसी और भी धातु की हो सकती है, वो निर्जीव हो सकती है, लेकिन उसको चलाने वाला जो चालक है उसे सजीव होना जरूरी है। उसी तरीके से हम सब लोगों का ये शरीर एक गाड़ी की तरह होता है, और इसको चलाने वाला जो ड्राइवर होता है वो हमारा केवल मस्तिष्क ही नहीं होता, मन ही नहीं होता, उसके भी परे और एक सूक्ष्म तत्व होता है जिसे हम चेतना कहते हैं, आत्मा कहते हैं, उसी को हम जीव तत्व कहते हैं। अगर हम अपने मन में विचार करने लग जाएं कि हम जी रहे हैं, हम इस शरीर को चला रहे हैं, और इस शरीर को चलाने के लिए हमें भोजन भी करना पड़ता है, पानी भी पीना पड़ता है, तो हम ये विचार कर सकते हैं कि भोजन पानी कब किया जाता है, कौन करता है और किसके हिस्से में जाता है। क्या पूछा? भोजन पानी कब किया जाता है, कौन करता है, और वो किया हुआ भोजन पानी किसके हिस्से में जाता है। इन तीन चीजों पर विचार करना जरूरी है। हम आपसे पूछें कि आप भोजन पान कब करते हैं, क्या बोलेंगे? हम तो महाराज करते ही रहते हैं, जब मिल जाए तब कर लेंगे, अभी दे दो अभी कर लेंगे, शाम को दे दो शाम को कर लेंगे, रात को दे दो रात में कर लेंगे, जब दे दो तब कर लेंगे। बस अगर नहीं होगा तो कब नहीं होगा, जब हम सो जाते हैं तब नहीं कर पाएंगे, बाकी तो जब तक हम जागृत हैं तब तक हम कभी भी कर सकते हैं। भोजन पान कब होना चाहिए,
आपने कभी महसूस किया कि भोजन पान करने के लिए भी उससे पहले क्या चीज हमारे भीतर होना चाहिए? जब भोजन दिख जाए तभी भोजन पान हो जाता है, या भीतर भी कुछ चीज होनी चाहिए तब भोजन पान होना चाहिए? भूख होनी चाहिए। अब बोले भोजन पान होने से हम भोजन करने लग जाएं ये अच्छी बात नहीं, और ऐसा होता भी नहीं, और ऐसा करने वाले लोग रोगी हो जाते हैं। भोजन पान हो सामने, लेकिन अगर भीतर भूख हो तो वह भोजन पान हमारे लिए प्रयोजनीय है। तो भोजन पान कब किया जाता है? जब भीतर भूख हो। अभी हम दिन और रात की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर भूख होना जरूरी है। बिना भूख के अगर आपने भोजन पान किया तो वो आपके लिए कष्टकर हो जाएगा। एक रोग होता है कब्जियत का रोग, कॉन्स्टिपेशन जिसको कहते हैं, सुना सबने? उस दौर से, उस रोग से भी कई लोग गुजरते होंगे। कहने में कई लोगों को शर्म भी आती है, लेकिन कई लोग उसके आदी हो जाते हैं। जानते हो क्यों? जिन लोगों के शरीर में हलन चलन कम होती है और जिन्हें खाने का तो शौक होता है, अच्छा अच्छा भारी भारी भोजन करना, गरिष्ठ भोजन करना, तला हुआ भोजन करना, और जिनकी आंतों में ऐसा भोजन करने से पचने की क्षमता कम हो जाती है, तो फिर वो भोजन जो पचता नहीं है वो आंतों में जब बैठने लग जाता है, चिपकने लग जाता है, तो वही शरीर के अंदर एक कब्जियत का रूप पैदा कर देता है। फिर उसी के कारण से गैस ट्रबल होता है, उसी के कारण से पेट संबंधी रोग होने के बाद में अनेक रोग शुरू हो जाते हैं। और इसका मूल कारण जानते हो क्या? ये उन लोगों के लिए कि जिन्हें जो भी मिल जाए, जब भी मिल जाए, बस खाना है, क्योंकि आदत पड़ी हुई है, कोई भी अच्छी चीज दिखे बस खाना है। ये भी नहीं देखना है कि हमें उसके लिए भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, उसके लिए जो टाइम है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, दिन है कि रात है, कि अभी हम कुछ खा करके आए थे, उसके बाद में हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता आजकल लोगों को। और उसी के कारण से इस तरह के रोग होते हैं। तो सबसे पहली जरूरी चीज क्या है? यह जानना कि भोजन कब करना चाहिए। ज्यादातर लोग यही कहेंगे जब भोजन सामने हो तो भोजन कर लेना चाहिए, ऐसे लोगों से तो बचना चाहिए। भोजन कब करना चाहिए? तो आपका समझदारी का उत्तर होना चाहिए, जब हमें भूख लगे तब भोजन करना चाहिए। भोजन करने के लिए किसकी जरूरत है? भूख की जरूरत है। समझ रहे हो ना? थोड़ा सा हम साइंस अपने भीतर की समझने की कोशिश करें। अब ये भूख लगी और भूख लगने के कारण से हमने भोजन किया, तो इसका मतलब यह हुआ कि भोजन करने का कारण भूख है, और भूख लगने पर जो कार्य किया जाता है वो भोजन है। समझ में आ रहा है ना? ये कारण कार्य की व्यवस्था कहलाती है। अगर भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो आपको भोजन लेना है, पानी पीना है। प्यास नहीं लग रही है तब भी पानी पीना, डॉक्टरों ने कहा है सुबह से शाम तक 6 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। अब प्यास लगे या ना लगे, इतना पानी बरस रहा है तो भी हमें पानी पीना है, तो आपके लिए वो पानी भी नुकसान कर जाएगा। प्यास लगने पर पानी पीना, भूख लगने पर भोजन करना, अगर ये भी सही ढंग से होगा तो आपके लिए किया गया भोजन आपके शरीर को ताकत देगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा और यूजफुल भी होगा। अगर आपने उस भोजन को किया और भूख नहीं लगी और वो कर लिया, तो फिर वह कब्जियत का कारण बन गया। कब्जियत का सबसे बड़ा कारण यह है, आपके लिए भूख नहीं है फिर भी आप भोजन कर रहे हो। इसलिए अगर भूख नहीं है तो क्या करें महाराज, ये भी बता दो। समय पर भूख लगना अपने आप में एक शरीर का व्याधि रहित होने का लक्षण है। समय पर भूख लगना, समय क्या होता है? जब आपके भोजन का सही समय होता है, वो सही समय वही होता है जब मुनि महाराज भोजन करने निकलते हैं। समझ में आ रहा है? भोजन का सही समय क्या होता है?
10 बजे से लेकर के 11 बजे तक का समय या 9 से लेकर के 11 बजे तक का समय, बहुत बहुत 12 बजे तक का समय, 12 बजे से पहले पहले भोजन कर लेना, ये भोजन का सही समय होता है। अब आपने भोजन को करने के लिए अपने अंदर भूख देखी और भूख आपकी समय पर तो लग रही थी, लेकिन उस समय पर आपने भोजन नहीं किया तो क्या होगा? कई लोगों की आदत है दोपहर में 2 बजे भोजन करते हैं, 3 बजे भोजन करते हैं, ये भोजन करने का सही समय नहीं होता। 2 बजे 3 बजे अगर आप भोजन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी भूख को मार करके फिर बाद में भोजन करते हैं तो वो भोजन आपके लिए सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा। भोजन उस समय पर जो हमारी जठराग्नि तीव्र होती है और शरीर का जो सिस्टम है, एक साइंस है, उसके अनुसार जो एप्रोप्रिएट टाइम है भोजन करने का वह दोपहर होने से पहले का समय होता है। उसके बाद तो थोड़ा आराम का समय होता है, फिर थोड़ा सा हल्का कुछ काम करने का समय होता है, फिर कुछ हल्की चीजें खाने का समय होता है, पेय पदार्थ लेने का समय होता है, उसके बाद में फिर शाम का समय अलग आता है। अगर आपने दोपहर में 2 बजे 3 बजे भोजन किया तो आप शाम का भोजन कभी टाइम पर नहीं करेंगे, आप रात्रि में भोजन करेंगे तो सारा शेड्यूल आपका बिगड़ जाएगा और आपको समय पर जो भूख लगनी चाहिए वो नहीं लगेगी। टाइम भी अगर लगेगी तो वो भी आपके लिए रोग का कारण बनेगी। ये भोजन का भी एक विज्ञान होता है, हर चीज का एक विज्ञान है। तो हमें भोजन कब करना चाहिए? जब हमें भूख लगे। अब भूख कभी भी लग जाए तो क्या करोगे? फिर कहा जाता है कि नहीं, भूख लगने के बाद भी देखना कि दिन है कि रात है। रात में इसलिए भोजन नहीं करना क्योंकि रात में सब कुछ अस्त हो जाता है, सब कुछ सोने की स्थिति में होता है, हमारे शरीर के भीतर जो इनर ऑर्गन्स होते हैं वो भी सब रेस्ट करने की पोजीशन में होते हैं, लेकिन हम उस समय पर उसमें भोजन डाल करके उन्हें जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो हम एक तरह से नेचर के अंगेस्ट काम करते हैं। इसीलिए जब भूख लगे तो सोचना पड़ता है कि भूख तो लग रही है लेकिन कब खाना? दिन है तो लेना, रात है तो सोचना। जैसे फूल रात्रि में अपने आप को संकुचित कर लेता है, वनस्पति अपने आप को संकुचित कर लेती है, प्रकृति अपने आप को संकुचित कर लेती है, सूर्य के अभाव में धरती का विकास भी रुक जाता है, प्रकृति का, पर्यावरण का हर कार्य रुक जाता है। इसी तरह से हमारे शरीर का कार्य भी सूर्य के चले जाने पर थमने लग जाता है, रुक जाता है, लेकिन हम उस व्यवस्था को भी नहीं स्वीकारते हुए हम अपने लिए जब जबरदस्ती भोजन देते हैं या भूख जबरदस्ती रात्रि में भी लगा करके हम भोजन करने की कोशिश करते हैं तो ये प्रकृति विरुद्ध कार्य हमारे साथ होने लग जाता है। यही सबसे ज्यादा रोगों का कारण बन जाता है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि भोजन कब करना। तो क्या निष्कर्ष निकल करके आया? भोजन कब करना? पहली शर्त, जब भूख लगे तब करना, और दूसरी शर्त, भूख लगने के बाद भी देखना दिन है कि रात है। दिन है तो भोजन करना, रात है तो भोजन नहीं करना। बिना भोजन किए हुए भी अगर रात्रि में सो जाओगे तो ऐसा नहीं समझना कि नींद नहीं आएगी, नींद आ जाएगी, अगले दिन के लिए बहुत अच्छी भूख तैयार हो जाएगी और वह अगले दिन से आपका सिस्टम सही हो जाएगा, अगले दिन वह भूख आपकी सही ढंग से काम करेगी तो आपके लिए व्यवस्थित ढंग से भोजन पचने लगेगा, आपका शरीर निरोगता की ओर चलेगा। इसलिए प्रकृति के विरुद्ध जो लोग चलते हैं वो लोग जीवन से खिलवाड़ करते हैं। जीवन में खेलना तो सीखो, खेल खेलो, लेकिन जीवन से खिलवाड़ मत करो। आज लोग जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। खेल खेलना जरूरी है,
चाहे वो कोई सा खेल हो, यहां पर टेनिस, टेबल टेनिस खेलने वाले लोग बैठे हैं, चाहे वो फुटबॉल का गेम हो, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे टेबल टेनिस का गेम हो, ये जितने भी गेम होते हैं, गेम खेलना बहुत जरूरी है। पूछो क्यों? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि टेनिस खेलने से, चाहे फुटबॉल खेलने से, आपके शरीर का एक हल्का फुल्का व्यायाम जो होता है वो अपने आप हो जाता है। जब आप कूदोगे, अपने शरीर से किसी भी तरह की मेहनत करोगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आंतों को बल मिलेगा, जब आप उछलोगे आंतों में गति मिलेगी, और वह जो कब्ज जमा है वो जमी हुई कब्ज भी हिलेगी। कब? जब आप खेलोगे, मोबाइल देखोगे तो कब्ज और ज्यादा जमा होती चली जाएगी, क्योंकि आप जहां जमे थे वहीं पर जम करके बैठ गए और घंटों आपने वहीं जम करके निकाल दिए, आपको पता ही नहीं है कि आपने उस खेल से कितना अपना नुकसान कर लिया। तो जब भी आपके लिए कोई खेल सामने आता है तो वह खेल भी आपके शरीर को स्वस्थता देने वाला होता है, वह एक हल्का फुल्का व्यायाम होता है। और जिन लोगों को इस तरीके की पेट संबंधी बीमारियां होती हैं, उन्हें हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहिए और थोड़ा खेलना भी चाहिए। वो खेल होने चाहिए इसी तरीके के खेल, मोबाइल के खेल नहीं। टेनिस के गेम है, क्रिकेट के गेम है, फुटबॉल गेम है, बास्केटबॉल है, ये सब गेम आपको जो है चलाते हैं, दौड़ाते हैं, हल्की आपके शरीर की एक्सरसाइज कराते हैं। कब्जियत नहीं होगी तो भूख समय पर लगेगी, भूख समय पर लगेगी तो भोजन आप समय पर करोगे तो भोजन आपके लिए डाइजेस्ट होगा तो आपको ताकत देगा, तो वही ताकत आपके जीवन में बल दे करके आपको आगे बढ़ाएगी और आपके लिए काम आएगी। इसलिए ये जानना जरूरी है भोजन कब करना, भोजन कब करना। तो क्या सीखा आपने? भोजन भूख लगने पर करना, और दूसरा जब दिन का समय हो, सूर्य खिला हुआ हो, तब करना। अब दूसरा प्रश्न आता है कि भोजन कौन करता है, भोजन कौन करता है? आपसे पूछ रहा हूं, भोजन कौन करता है? आप कहोगे मैं करता हूं। अब ये मैं कौन है, ये मैं कौन है? जब हमने आपसे बताया है कि आप शरीर भी हैं और शरीर के अंदर आप भी हैं, तो आप किसको मैं कह रहे हैं? भोजन कौन कर रहा है? शरीर भोजन कर रहा है, ये सबके मुंह से निकल रहा है, शरीर भोजन करता है, शरीर भोजन करता है। आपको विचार करना है, शरीर भी आपका है और जो मैं कह रहे हो वो मैं भी आपका है। वो मैं कौन है जानते हो? जिसके कारण से वो शरीर ड्राइव कर रहा है, जिसके कारण से शरीर में कुछ रेस्पॉन्स आता है, शरीर एक्टिव रहता है, वो मैं कौन है? आत्मा। अब ये बताओ, ये भूख किसको लगती है? हमने ये तो समझ लिया कि भूख लगने पर भोजन करना, लेकिन अब ये समझना है कि भूख किसको लगती है और भोजन कौन करता है। भूख किसको लगती है? बोलो, आप बोलो। भूख भी शरीर को लगती है, भोजन भी शरीर करता है, फिर आप क्या करते हो? जो अपना जीव है वो आत्मा है, वो क्या करता है? अगर शरीर ही भोजन करता है तो फिर शरीर तो हमेशा भोजन कर सकता है, उसके लिए फिर भूख लगना नहीं लगना, ये किसको भूख लगती है? पहले ये बताओ कि शरीर चेतन है कि अचेतन है? शरीर चेतन है। शरीर कैसा है? बड़े कंफ्यूज हो आप लोग। शरीर चेतन है कि अचेतन है? टेबल टेनिस वालों से पूछ रहा हूं, तुम लोग ज्यादा ज्ञानी हो गए ना सुन सुन करके। इधर उधर बोलिए भाई साहब, शरीर, अरे शरीर अचेतन है,
शरीर, ये बच्ची क्या बोल रही है, शरीर, अभी चेतन बोल रही थी, एकदम से चेतन आ गई क्या? सुनते सुनते भी, सोचते सोचते भी, शरीर चेतन है कि अचेतन है? अगर हमने अपने जीवन में कभी इस तरह की नॉलेज नहीं ली और ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया तो ये भी हमारी एक बहुत बड़ी भूल होती है। धर्म और कोई चीज नहीं है, धर्म का मतलब ही है टू नो द रियल नेचर ऑफ अवर बॉडी एंड ऑफ अवर सोल। टू नो द रियल नेचर, रियल नेचर का मतलब शरीर का नेचर कैसा है, चेतन या अचेतन। हमारी आत्मा का नेचर कैसा है, चेतन या अचेतन। शरीर कैसा है, आपको अभी गाड़ी का उदाहरण दिया था, गाड़ी कैसी होती है और उसको चलाने वाला ड्राइवर, तो बस शरीर कैसा है, शरीर अचेतन है। उसको चलाने वाला जो मैं हूं, जो मेरा ड्राइवर है, जो मेरी आत्मा है, वो चेतन है। अब आप विचार करो कि ये भूख किसको लगती है, अचेतन को भूख लगेगी कि चेतन को लगेगी, बताओ। अब थोड़ा थोड़ा सा लोग कम से कम दिमाग तो चला रहे हैं, गाड़ी चल तो रही है कम से कम। गाड़ी में जैसे फ्यूल डाला जाता है, इंजन काम करने लग जाता है, उसी तरीके से हमारे शरीर में भी फ्यूल डाला जाता है, लेकिन उस फ्यूल की आवश्यकता कब किसको पड़ती है, अब बोलो। फ्यूल की आवश्यकता ड्राइवर को है कि गाड़ी को है, है? फ्यूल की आवश्यकता गाड़ी को है। डालता उसमें कौन है, गाड़ी डाल लेती है अपने आप से, कौन डालता है उसमें? डालने वाला उसमें फ्यूल डालने वाला वो कौन हुआ, वो चेतन हुआ। और जिसमें डाला जा रहा है वो, और वो फ्यूल है, वो चेतन है कि अचेतन है? गाड़ी तो अचेतन हो गई, गाड़ी में जो हम पेट्रोल डाल रहे हैं वो पेट्रोल चेतन है कि अचेतन है? कैसी है, वो भी अचेतन है, और गाड़ी को चलाने वाला चेतन है। अगर आपने इतना साइंस समझ लिया ना, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि भारतीय संस्कृति क्या है, जैन धर्म क्या है, वैदिक धर्म क्या है, बस ये साइंस समझ लो आप। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि चेतन अपने आप में संवेदना रखता है, चेतन में ज्ञान होता है, और उसी के कारण से भूख का संवेदन कौन करेगा, शरीर करेगा कि शरीर में रहने वाला जीव तत्व करेगा, बोलो, जीव तत्व करेगा। अब ये डिसाइड हो रहा है ना कि चेतन को ही संवेदना होती है, अचेतन को संवेदना, अगर शरीर हमारा अचेतन है तो शरीर को संवेदना नहीं होती है, संवेदना किसको होती है, बोलो। किसी का कोई प्रश्न हो रहा हो तो बीच में पूछ सकते हो। अगर आप कहोगे शरीर को संवेदना नहीं होती है, तो फिर शरीर में जब हम सुई लगा देते हैं, कांटा लगा देते हैं, तो फिर हमें दर्द क्यों होता है? आप फिर ढंग से सोचने की कोशिश करो, शरीर में सुई चुभने से, कांटा चुभने से शरीर को दर्द होता है कि शरीर में बैठे हुए उस जीव को दर्द होता है? अगर ऐसा नहीं होता तो आपके कभी भी बड़े बड़े ऑपरेशन नहीं हो सकते थे। एनेस्थेसिया देकर के शरीर को कहीं किसी स्थान पर शून्य कर दिया जाता है, वहां पर होने वाला सेंसेशन से आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, और फिर वहां उस जगह पर बड़े बड़े ऑपरेशन करके आपकी सर्जरी कर दी जाती है। कब हो पाती है, क्योंकि वो अचेतन था, उस अचेतन से जो हमारा कॉन्टेक्ट बन रहा था, उस कॉन्टेक्ट को हमने डिस्कनेक्ट किया, तो हम अब उस जगह पर कुछ भी कर देंगे तो उस शरीर को कुछ भी नहीं पता पड़ेगा, क्योंकि हमारी चेतना उससे अब जुड़ी हुई नहीं है। समझ आ रहा है, ये बहुत बड़ी साइंस है, लेकिन हम अपने जीवन में इसको समझ ही नहीं का समय ही नहीं निकालते। वो तो आज किस्मत की बात है कि आप लोग सामने आकर के बैठ गए,
आज आप जो खेल खेल रहे हैं उस खेल में समझना है कि हम जीवन से कहीं खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं, या जीवन को खेल रहे हैं या शरीर को खिला रहे हैं, और ये खेल खेलने वाला भी कौन है? शरीर खेलता है कि मेरा जीव आत्मा खेलता है? बोलो, जीव आत्मा खेलता है। किसके साथ खेलता है? शरीर के साथ खेलता है। भोजन कौन करता है? अब बोलो, अभी तो कह रहे थे शरीर करता है, अब कौन करता है भोजन? कौन करता है? अच्छे से बोलो, सामने बैठे हुए लोगों, जीवात्मा करता है। और जो भोजन करता है, उस भोजन को करने के लिए जो भूख लगती है, वो भूख किसको लगती है? भूख किसको लगती है? जीवात्मा को लगती है। लेकिन भूख किस में लगती है? भूख शरीर में लगती है। समझ आ रहा है? दोनों चीजें एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई हैं कि उसको हम ढंग से समझ पाए, भूख किसको लग रही है, किसके कारण से लग रही है, और हम उस भूख का जब इलाज करते हैं तो हम किसको दे रहे हैं, ये ज्ञान अगर हमारे दिमाग में सही ढंग से बैठ जाए तो हमारे सारे भ्रम टूट जाए। इसी का नाम है सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, इसी को बोलते हैं। ये आपको कभी किसी बायोलॉजी में, किसी जूलॉजी में पढ़ने को नहीं मिलेगी। ये आपको इसी तरीके के उपदेश सुनने से, इसी तरीके की साइंस सुनने से आपको समझ में आएगी। और आपने पूरी ह्यूमन बॉडी के हर पार्ट को ढंग से देख भी लिया होगा, आपने अपनी बायोलॉजी में सब चीजें समझ भी ली होंगी, लेकिन आज तक आपको इस बायोलॉजी के माध्यम से भी कभी ये पार्ट नहीं पढ़ाया जाता कि भूख किसको लगती, भूख किस में लगती, और भोजन कौन करता, और भोजन किस में होता। समझ पा रहे हो? अब बोलो, भूख किसको लगती? आत्मा को। किसके कारण से लगती? शरीर के कारण से लगती। भोजन कौन करता? बोलो, जीवात्मा। भोजन किस में जाता? शरीर में जाता। समझ आ रहे हो? अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप समझदार लोग हो, जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत है, ड्राइवर का चेतन होना जरूरी है, गाड़ी का अचेतन होना जरूरी है, और उस गाड़ी में अगर फ्यूल डाला जाता है तो वो फ्यूल भी अचेतन होना जरूरी है। फ्यूल कैसा होना चाहिए? अचेतन होना चाहिए। समझ आ रहा है? लेकिन अगर आपने उस गाड़ी में फ्यूल ऐसा डाल दिया कि उसमें कोई जीव मिक्स है, तो वह गाड़ी फिर चलने में डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए यह कहा जाता है, जब भी आप भोजन करो तो ऐसा भोजन करो जिसमें किसी प्राणी की, जीवों की उत्पत्ति ना हो रही हो। वह भोजन आपका अचेतन होना चाहिए, निर्जीव होना चाहिए। जो गेहूं है, बालें हैं, अन्न है, सब्जियां हैं, ये सब क्या है? ये सब प्रकृति के द्वारा दिया गया ये अचेतन भोजन है। जब ये प्रकृति से आपके हाथ में आता है, इसके अंदर कोई चेतना नहीं रहती है, भोजन आपके हाथ में आने तक सब अचेतन हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी चैतन्य प्राणी को काटते हैं, मारते हैं, उसका खून बहाते हैं, और फिर उसके शरीर का मांस इत्यादि निकालते हैं, तो फिर आप उस भोजन को क्या समझेंगे? सृजिन वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जन मन हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई,
सासद मुख पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश।